मैक्सवेल की आग सूर्या हुआ खाक, भारत के जबड़े से जीत छीन कर ग्लेन मैक्सवेल ने बनवाया अपना लोहा, तो इस खिलाड़ी को बाहर करने की उठी मांग। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज जारी है, जिसका तीसरा मैच गुवाहाटी के जो है बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई भारतीय टीम का शुरुआत बेहद ही शर्मनाक रहा। 14 रन के स्कोर पर भारत के सलामी बल्लेबाज जायसवाल जल्द ही पवेलियन लौट गए। फिर 24 रन के ही स्कोर पर भारत को दूसरा झटका भी लग गया ईशान किशन के रूप में, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने धुआंधार बल्लेबाजी कर भारत को मैच में बनाए रखा। 81 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो चुकी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 222 रन का स्कोर बनाया, जिसमें अहम योगदान ऋतुराज गायकवाड़ की पारी का रहा। ऋतुराज गायकवाड़ ने 123 रन की नाबाद तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 57 गेंद में 13 चौके और 7 छक्के निकले। उनके अलावा यशस्वी जायसवाल ने 6 रन, सूर्य कुमार यादव ने 39 रन, तिलक वर्मा ने 31 रन जो है बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 ओवर में 225 रन बना लिए। ग्लेन मैक्सवेल ने जबरदस्त पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। मैक्सवेल ने 48 गेंद में 8 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 35 रन, एरन हार्डी ने 16 रन, जोस इंग्लिश ने 10 रन और मार्कस स्टोनिस ने 17 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से हर्षदीप सिंह, आबिश खान और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिए, जबकि रवि बिश्नोई ने 2 जो है विकेट लिए। वही प्रसिद्ध कृष्णा 1 भी विकेट नहीं निकाल सके और टीम के लिए सबसे महंगे साबित हुए। लिहाजा भारत के मैच जो है गवा देने के बाद उनको फैंस ने जो है जमकर ट्रोल किया और टीम से बाहर निकालने की भी जो है मांग करने लगे। तो फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपको सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर। क्रिकेटरों के बीच में कंट्रोवर्सी और उनके बीच इनसाइड स्टोरी पर भी रहती है हमारी नजर। क्रिकेट के इंटरव्यू से लेकर उनके पर्सनल लाइफ तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसलिए अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।